दिल्ली के लड़के कैसे लगते हैं तुम्हें? अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ। चल झूठ। ये क्या है फिर? ये तो सीपी अच्छे लगते हैं, हॉट लगते हैं। हॉट लगते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ तुम्हें? आप ठीक लग रहे हो। हॉट नहीं लग रहा? नहीं। जो कैमरे में या वो तो लड़की है ना, हॉट तो है ना, हॉट की बात हो रही है। वैसे भी लड़के हॉट नहीं होते, लड़के क्या होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये दिल्ली के जो लड़के हैं ना, आज जैसे लड़कियों को देखते हैं, कैसे पता चलता लड़कियों की ये लड़का जो है ठीक नहीं है? जब वो बहुत कंटिन्यूसली स्टेयर करता रहता है, और ये जानने के बाद भी कि हम उन्हें देख चुके हैं, अब मत देखो भाई, उसके बाद भी देखेंगे, मतलब पूरा ऊपर से नीचे, और उनकी आंखों की पोजीशन ना सिर्फ एक ही जगह होती है। वो कौन सी जगह होती है? गले के नीचे। गले के नीचे, पेट के ऊपर। क्या आया? और बूब्स। ओके, तो कैसे क्या लगता है कि लड़कों को कौन से टाइप के बूब्स पसंद होते होंगे? मतलब एक होता है ना, मतलब लड़के क्यों शेयर करें बूब्स पे? I don't know. Your guy. You can answer it. मैं शेयर नहीं करता। मैंने देखे किसी के? देखे? No. My God. Oh my God, ये बेइज्जती है। अच्छा अच्छा, दिल्ली के लड़कों की अगर मैं कहीं कहूँ कि तुम्हें डेफिनेशन देने की, दिल्ली के लड़के ऐसे होते, तो क्या क्या डेफिनेशन होगी? सिर्फ चेस्ट फुला लेते हैं, पेट निकली हुई रहती है, कोई एब्स नहीं होते। आ जाता। सिर्फ चेस्ट फुला लेते हैं अपने, कोई एब्स वैब्स होते नहीं है, स्टमक निकला हुआ रहता है, और बस उनको वो जाट वाले सारे होते हैं, मुझे यूं करके उनको छोड़ना रहता है, दैट्स इट। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, गेड़िया मारनी है, जिम जाना है, जिम जाना है, वर्कआउट नहीं करते हैं, सिर्फ रोल मारने के लिए, दैट्स इट। और लड़कियां चेक आउट करने गाली देते हैं सबसे ज्यादा, बेंच और बेंच। अच्छा हां, इसको लाल। ओके, और क्या, और कैसे होते हैं दिल्ली के लड़के? अच्छे भी होते हैं या सिर्फ हरामी होते हैं? अभी तो कोई अच्छा मिला नहीं, तो जो मिला है तो अच्छा ही है। अरे माय बॉस, एक्स एक्स बॉस, ऐसा वर्ड है जो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं लड़के, दिल्ली के लड़के। माल, पटोला, माल, और पटाखा, टोटा, और भाई क्या बंदी है, बंदी बंदी, लड़की बोल लो, नाम पूछ लो, बंदी। ऐसी कौन सी चीज होती है दिल्ली के लड़कों में कि आपने देखा कि भाई वो इस तरीके का है, तो आपको पता चल जाता है भाई मेरे को तो इससे दूर ही रहना है, लुक्स के बारे में, उसके वॉकिंग स्टाइल के बारे में, या हेयर स्टाइल? जब वो ऐसे चलते हैं।